हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको देखने से समझ में आ गया होगा हम बनाने वाले हैं पास्ता। वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पास्ता बनाएंगे, जो कभी भी किचन में पैर भी नहीं रखे हैं वो भी बड़े आसानी से ये पास्ता बना पाएंगे। तो देखिए, मैंने गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारे पानी में आ गया है उबाल। अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता, तो और करछी से इसको चला देंगे ताकि हमारा पास्ता चिपके ना। और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम तेज इसमें उबाल आने के लिए। तो और हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल और 2 ही चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक। देखिए, हमने नमक भी अब डाल दिया है और करछी से इसे अच्छे से मिला देंगे एक बार और। तो देखिए, तब तक हमारा पास्ता उबलता है। तैयार हो गया है हमारा पास्ता उबल करके। तो हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि हमारा पास्ता कैसा उबला है। देखिए, बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है, एकदम अलग अलग पास्ता है ये। तो इस तरीके से हम उबाल लेंगे। और छौंक के लिए हम 6 से 7 हरी मिर्च और 2 कटिया मैंने प्याज की ले ली हैं, 4 से 6 कलिया मैंने लहसुन की और 2 लिए हैं मैंने टमाटर। और ये चॉपर में हम प्याज को चॉप कर लेंगे। और तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है गैस पर। तब देखिए, हमारा तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल दिए हैं मैंने प्याज। प्याज मैंने चॉपर में ही चॉप कर ली थी, इसलिए बड़ी आसानी से कट जाती है, इससे बड़ी तेज़ी से भी कम हो जाता है। मैं इसी का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो आप भी इसको मंगवा कर इसी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चॉपर में मैं अब प्याज, दो टमाटर और मिर्ची को भी काट लूँगी। तब तक हमारा मसाला बनता है जब तक कि मेरा टमाटर और मिर्ची इसमें पीस करके मैं तैयार कर लूँगी। तो देखिए, हमारा मसाला बन गया है अच्छे से, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। देखिए, काफ़ी बारीक कट गए हैं इसमें। और जो बच्चे पास्ता या मैगी या कोई भी आप चीज़ बनाते हैं उसमें से टमाटर, प्याज, मिर्ची को अलग कर देते हैं निकाल करके, तो आप इसी तरीके से बनाएं, बच्चे अच्छे से भी खाते हैं। हमारा मसाला देखिए तेल छोड़ने लगा है, हमारे टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक ले लिया है। तो इसको अच्छे से करछी को चला देंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है तब तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। देखिए, मैंने पूरा 1 मैगी मसाला पैकेट डाला है इसमें। मैगी मसाला बच्चों को काफ़ी पसंद होता है, तो वो मज़े से खाते हैं। तो आप बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें मैगी मसाले का प्रयोग बिल्कुल करें ताकि बड़े अच्छे से बच्चे चाव से खाएँ। तो देखिए, हम अब डाल देंगे इसमें पास्ता को। पास्ता डालने के बाद हल्के हाथों से हम इस पास्ता को मसाले में मिलाएंगे। देखिए, हमारा मैंने अच्छे से पास्ता को मिला दिया है। तो इस तरीके से हमारा पास्ता मिलकर के तैयार हो गया है।
और इसे धुएं से गार्निश करके इसको सर्व करें। काफ़ी टेस्टी बना है, काफ़ी स्वादिष्ट, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक।